तो 2446 दरोगा वाले मेरा भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों आज BPSSC आयोग ने सिलेक्शन लेटर अपने साइट पे अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, चलिए मैं आज ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे जाइए, वहाँ पे जाने के बाद टाइप कीजिए BPSSC, यहाँ टाइप करना है BPSSC टाइप कर देना। टाइप करने के बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो है BPSSC लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आज के डेट में एक नोटिस आया है, 24/2021 के डेट में एक नोटिस आया है। इसमें लिखा हुआ है कि डाउनलोड सिलेक्शन लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर सर्जेंट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। तो इस पर क्लिक करना है दोस्तों। जाकर इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और मोबाइल नंबर दोनों में से कोई एक दे सकते हैं आप, या दोनों भी दे सकते हैं तो खुल जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद इंटर बी साइड कैप्चा जो नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, ये स्मॉल में लिखा रहेगा तो स्मॉल में डालना है, कैपिटल में लिखा रहेगा तो कैपिटल में डालना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना ही डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने वाला हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने वाला हूँ। ये देखिए डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया। उसके बाद इंटर द बी साइड कैप्चा, कैप्चा ये वाला डालने वाला, ये कैपिटल में लिखा हुआ है तो मैं कैपिटल में डालूंगा। ये डाल दिया मैंने। उसके बाद यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों ये यहाँ पे कुछ इस तरह खुल के आ जाएगा। नीचे लिखा रहेगा इंटर वन टाइम पासवर्ड, इस पर तो जो आप मोबाइल नंबर उसमें दिए हैं उस पर एक OTP आएगा। OTP आएगा, वो उसको डालना है। मेरा तो आ गया है, देखिए मैं डाल के बताता हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ डाउनलोड सिलेक्शन लेटर पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा तो डाउनलोड हो रहा है, देखिए एक मिनट, ये डाउनलोड मेरा ऑप्शन आ गया, मेरा तो डाउनलोड हो, ये देखिए मेरा डाउनलोड सिलेक्शन लेटर हो गया। बस दोस्तों यही है, अपना डिटेल्स डालिए और खुल जाएगा। कोई थोड़ा बहुत कभी कभी प्रॉब्लम आता है साइट पीजी रहने के कारण, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, कुछ देर के बाद खोल लीजिएगा लेकिन आराम से खुल जाएगा। बस इतना आप कर दीजिए, आराम से खुल जाएगा। तो दोस्तों मैं वीडियो में यही बताने वाला था और मैंने ये अपना लोड करके